निर्गमन अध्याय 23, निर्गमन अध्याय 23, झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना, बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। यदि तेरे शत्रु का बैल व गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने के लिए तेरा मन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तेरे लोगों में से जो दरिद्री हो उसके मुकदमे में न्याय न बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। घूस न देना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। परदेशी पर अंधेर न करना, तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको पड़ती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में से दरिद्री लोग उसे खाने पाए और जो कुछ उनसे भी बचे वह बनल पशुओं के खाने के काम में आए, और अपनी दाख और जलपाई की बारियों को भी ऐसे ही करना। 6 दिन तक तो अपना कामकाज करना और 7वें दिन विश्राम करना कि तेरे बैल और गधे सुस्ताए और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सके, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, अखमीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए और मुझको कोई छूचे हाथ अपना मुंह न दिखाए, और जब तेरी बोई हुई खेत की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना, और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रतिवर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए, मेरे बलि पशु का लोहू खमीरी रोटी के संग न चढ़ाना और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना, बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिव्वी और यबूसी लोगों के यहां पहुंचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनके काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा
उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिव्वी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में तो न निकाल दूंगा, ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेल पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं तेरे आगे से उन्हें थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने न पाए, ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा।